फिर एक बार फिर वेलकम करती हूँ अपने रियल लाइफ में और उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपने अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। और देखिए ये है सुबह का टाइम, अब बज रहे हैं 7 सुबह के और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में आलू के परांठे बन रहे हैं जो कि आपको मैं वीडियो में कितनी बार दिखा चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं आलू कस लिए हैं मैंने और प्याज, और ये मैंने थोड़ी सी मेथी डाली है। और यहाँ पर आटा गूंदने की तैयारी हो रही है, नमक के साथ साथ थोड़ी सी मैंने करस करके अजवाइन डाली है। और गुनगुने पानी के साथ हम आटा लगा कर रख लेंगे एक साइड, 5 मिनट पहले किया है हमने ये काम। और सुबह के टाइम जल्दी जल्दी मैं पराठे बना रही हूँ, जितनी जल्दी जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है काम इतनी जल्दी जल्दी नहीं हो रहा था, मैंने फास्ट कर दी है वीडियो। और यहाँ और नाश्ता हैवी सा बनाती हूँ मैं, क्योंकि मोइन लंच लेकर नहीं जाता, दुश्मन को तो मैं दे ही देती हूँ क्योंकि अभी वो बच्चा है, छोटा है, उसे लंच की ज़रूरत रहती है। और यहाँ पर देखिए अब्दुल समद पढ़ के आ गया है, उर्दू पढ़ने के लिए जाता है और मौलाना साहब ने इसको मारा था क्योंकि इसके सबक याद नहीं था तो रो रहा है, इसलिए मैं तैयार कर रही हूँ नाश्ता बनाने के बाद इसको। और अब्दुल समद और मोइन जा चुके हैं नाश्ता करके स्कूल में, और आज मिश्वा नहीं गई है, आज मेरे साथ ही नाश्ता कर रही है। और मैं किचन में से सामान ला रही थी कि सॉस चाहिए क्या, तो यहाँ पर मेरी भी चाय आ चुकी है और मिश्वा की भी, नाश्ता करने के बाद चलिए चलते हैं छत पे। और मैं अपने किचन के काम थोड़े बहुत करने के बाद मैं छत पर आ गई थी पानी देने के लिए, क्योंकि आज धूप भी बहुत अच्छे से निकली थी। और ये मेरा जो है व्लॉग कुछ दिन पहले शूट किया था मैंने ले हैं, वो अपने पढ़ाई में बिज़ी रहती है और वीडियो वगैरह की एडिट की उसी की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि मुझे घर के भी बहुत सारे काम होते हैं इसीलिए। तो उसके 10th क्लास के पेपर होने वाले हैं, उन्हीं की तैयारियों में लगी हुई है। रात मैंने मेहंदी घोल कर रखी थी अपने बालों में लगाने के लिए, उसी को मैं घोल रही हूँ अच्छे से, और चाय की पत्ती के पानी में मैंने घोल कर रख दी थी, लगाते हैं। और फिर मुझे बनाना है शाम का खाना, यहाँ पर बन रहा है टीम। और मैं आ गई हूँ किचन में, ये आज मैं चने की दाल की पकौड़ी बनाकर रेसिपी बताऊंगी। और ये इंग्रेडिएंट्स, लहसुन अदरक का पेस्ट, और दाल हमारी 250 ग्राम से ज़्यादा थी तो इसमें देखिए ये वाले, ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, ये तो मैं डालूँगी इसके अंदर। और ये ग्रेवी बनाने के लिए है, हम इसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में, और ये बारीक चॉप चॉप कर चॉप करने के बाद डालेंगे हम इसके अंदर। लो जी, हमने मिर्ची भी चॉप कर ली है और अब जाएगी ये दाल के बैटर के अंदर। नमक डालिएगा स्वाद अनुसार, और ज़ीरा, काले मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग, ये सभी हम इमाम दस्ते में कूट के डालेंगे। और ये इलायची का जो पत्ता होता है इसको हम निकाल लेंगे। और थोड़ी सी हम इसको अच्छा सा लुक देने के लिए लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। और ये जी लहसुन और अदरक का पेस्ट, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हरा धनिया भी काट कर डाल लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने छलनी में सरसों का तेल लगा लिया है चारों तरफ, और अब इस तरीके से हम बारीक बारीक से जिस भी आकार में हमें पकौड़ियाँ बनानी हैं वो चारों तरफ छलनी में इस तरीके से
लगा लेने के बाद हम अब इसको स्टीम पे रखेंगे एक इस तरीके से। ये बैटर बच गया है, इसे रखते हैं एक साइड। और यहाँ पर पानी भी गर्म हो चुका है और इसके ऊपर रख देंगे भगोने के ऊपर रखने के बाद। और ये स्टीम में ही पकेंगी पकौड़ियाँ, वो इस तरीके से कवर कर देंगे। और कवर कर देने के बाद हम 10-15 मिनट बाद देखेंगे कि अच्छे से हमारी पकौड़ी पक चुकी है स्टीम में या नहीं। और देखिए 15 मिनट हो चुकी है, मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ कि हमारी पकौड़ियाँ पकी हैं या नहीं। और एक स्पून या चमचे की सहायता से आप इस तरीके से देख सकते हो, हाथ से चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये पकी है या नहीं पकी है। अभी मुझे इसमें थोड़ा कच्चापन लग रहा है, तो हम दोबारा से इसको इस तरीके से कवर करके रख देते हैं। और अब मैंने कुछ देर बाद देखा है कि ये अच्छे से पकी है या नहीं। देखिए ये मुझे लगता है ये अच्छे से पक चुकी है, क्योंकि गर्म रहती है थोड़ी सी, ये नरम लगती है। और थोड़ी ठंडी हो जाने के बाद ये पूरी कंप्लीट दिखाई देने लगती है, थोड़ी हार्ड पन आ जाता है, इतना भी नहीं लेकिन अच्छी हो जाती है। और यहाँ पर हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। इन पकौड़ियों को सारियों को निकालने के बाद जो हमारा बैटर जो बच गया था, उसे भी इसी तरीके से पकौड़ियों को इसमें ऑयलिंग करने के बाद छलनी में इसी तरीके से स्टीम पर पका लेंगे। और अब हम देखिए इनको सभी पकौड़ियों को इस तरीके से हटा देंगे, क्योंकि जुड़ भी जाती है। हमारा बैटर अगर थोड़ा सा पतला होगा तो इस तरीके से ये जुड़ जाती है। हमें इसे पकने के बाद, स्टीम हो जाने के बाद इन्हें अलग अलग कर लेना है। और ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। अगर आप इसको नाश्ते में या स्नैक्स वगैरह के साथ 4 बजे या बच्चों को नाश्ते में भी दोगे, ये 2-3 दिन तक तो हम ऐसे ही रख लेते हैं, बना के चाय के साथ खा लेते हैं। बहुत अच्छी और टेस्टी लगती है, ये हेल्दी भी होती है क्योंकि इसमें ऑयल नहीं रहता। मोमोज भी इसी तरीके से बनाते हैं। और ये बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है और अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। और यहाँ पर मैंने दूसरे बैटर की पकौड़ियाँ बनाकर इस पे रख दिया है कवर करने के बाद। यहाँ पर डालेंगे हम सरसों का तेल। और सरसों का तेल डालने के बाद अब गर्म हो चुका, गर्म होने के बाद डालेंगे हम इसमें ज़ीरा। और ज़ीरा जो है हो चुका है हमारा। और यहाँ पर चाय पी रही हूँ मैं, पकौड़ी खाकर देख रही हूँ इसमें नमक मिर्च कैसा है। आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा और खाइएगा, जभी तो आपको पता चलेगा, यकीन होएगा। और देखिए यहाँ पर मिसबा ने चाय भी बना दी है, मुझे देकर चली गई है वो, क्योंकि ट्यूशन में जाना था उसको, वो ट्यूशन में चली गई है। और शाम का खाना हम जल्दी से ही बना लेते हैं, इसीलिए मैं जल्दी ही आज शाम के खाने की तैयारी में लग गई हूँ। और देखिए तेल गर्म हो चुका है, गैस हमें कर देनी है कम। और यहाँ पर ज़ीरा नहीं डाला है मैंने। और इन पकौड़ियों को फ्राई सेलो फ्राई कर लेंगे हम इस तरीके से, टेस्ट बढ़ जाता है। आप चाहे तो, ऑप्शनल है आपके लिए, आप चाहे तो बिना फ्राई करे भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आप इस तरीके से फ्राई कर लोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और सेलो फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हमने कढ़ाई धोई नहीं है, हमने उसी में ही तेल डाल दिया है। अब हम इसकी ग्रेवी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। और सरसों के तेल में ही मैं खाना बनाती हूँ, बहुत अच्छा और हेल्दी भी रहता है। और यहाँ पर मैंने लहसुन प्याज का भी पेस्ट बना कर रख लिया है। इस तरीके से मैंने दिखाए थे आपको कि मैंने 2 मीडियम साइज़ के इसमें प्याज लिए हैं और ये बारीक बारीक चॉप किया है एक प्याज मैंने। और ये देखिए मसालेदानी में से मसाले निकाल लेते हैं हम, जो भी चाहिएंगे हमें, हल्दी नमक मिर्च वही जाता है। देखिए जितनी भी आपकी क्वांटिटी हो उसी हिसाब से आप मसाले डाल लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मेरा तेल भी गर्म हो चुका है, यहाँ पर डालेंगे हम इसमें ज़ीरा। ज़ीरा चटकने के बाद अब जो हमने प्याज चॉप करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। और प्याज को हमें लाइट ब्राउन करना है। और यहाँ पर लाइट ब्राउन होने के बाद हम डाल देंगे जो हमने पेस्ट बना कर रखा है। देखिए और इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे क्योंकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं। और थोड़ा सा पानी डालना है बस, देखिए। और ऑयल, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ऑयल मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, थोड़ा यूज़ करती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है और मिर्च डाला है। अब हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार।
क्योंकि हमने पकौड़ियों में भी नमक डाला है। अब हम ग्रेवी के हिसाब से ही इसमें नमक डालेंगे और इसे चलाते हुए अब डालेंगे हम धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, थोड़ा सा, इतना काफ़ी है। और अब अच्छे से चलाते हुए हम इसे थोड़ी सी देर पकने के लिए रख देंगे एक ढक्कन लगाकर, और गैस का फ्लेम लो रखना है हमें। और यहाँ पर थोड़ी मिर्च और डाली है मैंने, क्योंकि वो मिर्च जो है वो कम लगती थी, और ये मैंने घर की पीसी हुई मिर्च डाली है। ज़्यादातर मैं घर के पीसे हुए ही मसाले यूज़ करती हूँ, उन्हीं का टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ पर मैंने देखिए ये आधे खुले हुए ढक्कन से ही ढक्कन रख दिया है, और अब पकने के बाद देखिए कितने दानेदार मसाला बनकर तैयार हुआ है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ लो फ्लेम पे ही आप अपना मसाला भूनिए, ये पकाइए, उसके फ्लेवर भी अच्छे आते हैं और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और देखिए जो हमने पकौड़ियाँ फ्राई करके रखी थी वो डाल दी है। और इसे चलाते हुए अब हमको कर देना है पानी ऐड, और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये मैं जो मैंने चैनल अपना स्टार्ट किया है उससे पहले से ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी जान बनाती थी पहले से ही, बचपन से ही हमने ये रेसिपी बनते हुए देखी है। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है, ये बहुत बार खा चुके हैं मेरे बच्चे भी, हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है। इसी तरीके से बनती है ये, जिस तरीके से कोफ्ते बनते हैं। और यहाँ पर देखिए ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते हो कम या ज़्यादा, और देखने से तो बहुत ही अच्छी और टेस्टी लग रही है, खाने के बाद ही बताएंगे बच्चे और हम। और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे दो चार मिनट के लिए, क्योंकि ये अच्छे से पकौड़ी हमने स्टीम पे पका ली थी। और अब शाम का टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं। मिसबा अब अपने अब्बा जी का खाना लेकर गई है और मैं खाना बनाकर आ गई हूँ रूम में, क्योंकि बच्चे गए हैं उर्दू पढ़ने के लिए। अब्दुल समद सुबह के टाइम तो आनाकानी करता है, क्योंकि उसकी गाड़ी बहुत जल्दी आ जाती है, आपने देखा होगा सुबह भी वो रो रहा था। मैंने बोला कि आप बेटा आप दोनों शाम को कुरान पढ़ने के लिए शाम को चले जाया करो, और मैं अभी आए नहीं हैं। और अब आ चुके हैं, अब लग रहा है खाना, मिसबा खाना लगा रही है। और आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा बताइए कमेंट करके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ और नई वीडियो के साथ। ओके एंड बाय बाय।